teachers present here. Today, we the batch of 2021 are here for a comm session depicting a drama on bioethics, case study on autonomy and decision making. Myself, Manali, and I am the narrator of this skit. Let me introduce you to the characters first. Ravi Malviya as a doctor, Nishi Patidar as a mother, Shubham Malpani as a son, Kashish Yadav as a caretaker, Amisha Yadav as an assistant doctor, and presentation is given by Shubham Patidar. Scene 1. Doctor with patient in OPD. Mathili, 70 years old lady who lives alone in apartment with only one caretaker. She regularly visits Dr. Mukul's OPD once a month. 1 year ago, she had a fall with a hip fracture that healed badly. She also has hypertension, which is controlled on medication. Today, she felt discomfort after a walk. Hence, she visited the OPD. अरे मैथिली जी आप आइए बैठिए। डॉक्टर साहब जरा देखो नहीं मेरे बहन साहब को बहुत सांस में तकलीफ हो रही है। बताइए क्या तकलीफ है? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, अभी 2-3 दिन से सांस को फूल रही है और अब तो चलने में भी दिक्कत हो रही है, उसमें भी सांस को फूल रही है। क्यों बोलिए, आप टाइम पे नहीं ले रहे हो क्या? नहीं नहीं सब बराबर टाइम पे, ओटी जो दे देती है टाइम पे, खाना गोली सब कुछ टाइम पे ले लेती हूँ। खाना भी टाइम पे चल रहा है और गोलियाँ भी सही ले रहे हो आप, फिर क्या तकलीफ आ रही है? कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है? नहीं डॉक्टर साहब ऐसी तो कोई बात नहीं है। एक मिनट ओटी जी आप बाहर जाएंगे, मैं जरूर बोला चलिए, अब कोई बात है आप बताइए। अरे डॉक्टर साहब कहाँ बताए आपको, चीकू के पापा के गुजरने के बाद अकेली रही हूँ, उसको पाल पोस के बड़ा किया, वो तो विदेश चले गया, लेकिन है वो बड़ा अच्छा, टाइम पे मिलने आ जाता है, फोन कर देता है, पैसे भिजवा देता है, ओती को साथ में रखा है, साथ में रहती है, दिन भर ध्यान रखती है मेरा, अब अकेली रही हूँ तो किसी पर निर्भर नहीं रहना और मशीनों पर तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों मशीनों से ऐसी क्या दिक्कत है, वो तो हमारी जान बचाने के काम आती है। अरे डॉक्टर साहब ऐसा किसने कहा, अभी 2 महीने पहले मेरी बहन का देहांत हो गया, उसको कैंसर की दिक्कत थी, मैं अस्पताल में थी, उसको सांस लेने में दिक्कत, तो डॉक्टरों ने उसके मुंह में से पाइप डाल दिया और फिर उसकी सांस जाने के बाद भी उसको झटके दिए जा रहे थे, वो देखकर तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो मुझे मशीनों के ऊपर निर्भर बिल्कुल नहीं है। हाय राम, आप तो मुझसे वादा कीजिए कि मैं बीमार होती हूँ तो आप मुझे मशीनों पर तो नहीं रखोगे। अरे आप इतना घबराइए नहीं माता राम, आप पहले पानी पीजिए। ठीक है अभी आपका एक बार बीपी ले लेते हैं फिर बताते हैं। अमीशा जी माता राम अपना हाथ आगे कीजिए। इतने कोई घबराने की बात नहीं है, बस हल्का सा बीपी बढ़ा हुआ है आपका। ठीक है आपको, मुझे लग रहा है कि आप जो इतना स्ट्रेस ले रहे हो ना सोच सोच के कि नहीं मेरे बहन के साथ ऐसा हो गया, पाइप डाल दिया, शॉक लगा दिया, ये हो, इतना नहीं सोचना होता। अब हम हमारे कल का सोच के आज को भी खराब करें, है कि नहीं? तो आप क्या करिए कि मैं आपकी, ठीक है दवाई बदल देता हूँ थोड़ी सी, आप थोड़ा डाइट वाइट पर ध्यान रखिए और थोड़ा घूमिए फिर, एक मिनट उठिए आइएगा। आप जैसे इनके डाइट वाइट का तो ध्यान रखती हो, कोई दवाई नहीं, डाइट तो बोल दी, डाइट मैं इसको इतना मना करती, तेल नहीं खाने के लिए मैं खाती तो ये भी। अरे डॉक्टर साहब क्या बता, बूढ़ा शरीर है, कभी कभार मन चाहता तो थोड़ा खा लेते, रोज तो खाना होता। अरे माता राम अब एक पकौड़े के भरोसे जिंदगी थोड़ी ना छोड़ सकते अपन। हाँ वो बात भी सही है। ठीक है जैसे आप माता राम क्या थोड़ा स्ट्रेस भी लेने लगती है, आप क्या करिए इनको थोड़ा घुमाइए फिराइए, साथ ही इनका मन दूसरी बातों में लगाइए ताकि ये बात उनके दिमाग में। हाँ
मैं समझ गया, चलिए मैं दवाई चेंज कर दे रहा हूँ, अब दे रहा हूँ। जी जी आओगे ना डॉक्टर साहब, कोई तकलीफ हुई तो फिर से आके बता देना। जी जी कंसेंट फॉर्म फिल करके देना पड़ेगा रिटर्न में कि इसके बाद अगर कुछ भी होता है आपकी मदर के साथ,
तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं देगी, वो आप अपने रिस्क पे ले जा रहे हो। ठीक है जी डॉक्टर, we would like to thank respected Indubala ma'am for giving this wonderful opportunity to us, and I would like to thank all the teachers for being with us. Thank you.